नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सोनम सामन उत्तराखंडी सास बहू ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। आज ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ क्योंकि आज मम्मी घर पे नहीं है, इसलिए सोचा मैं ही कर लेती हूँ। तो ब्लॉग शुरू करने से पहले बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा आशीर्वाद। तो दोस्तों, अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना गार्डन। देखिए, सावन के महीने में पूरी हरियाली हरियाली हो रखी है गार्डन में। देखिए, हमारे गार्डन में पूरी घास जम रखी है। ये देखिए, काफ़ी पेड़ लगा रखे हैं हम लोगों ने, लेकिन कुछ लगा नहीं है। ये देखिए, अब मैं यहाँ से शुरुआत करती हूँ। ये है तुलसी का पेड़। तो दोस्तों, ये है तुरई का पेड़। देखिए, यहाँ से ऐसे जा रखा है, ये ऊपर पेड़ पे जा रखा है, लेकिन कुछ भी नहीं लगा है इसमें। इसमें अभी फूल भी नहीं आ रखे हैं। देखिए, देख सकते हो आप लोग, खाली ऐसी है, 100 पीस। देखिए, फूल यहाँ तक गया है, पूरे फूल का पेड़ घेर लिया है इसने। देखिए, यहाँ से यहाँ पर आम का पेड़ था। ये देखिए, ये आम का पेड़ है, ये पूरा नीचे आ गया है। इसमें पूरी कद्दू की बेल गई हुई है। ये देखिए, बेल ने पूरा खराब कर दिया है पेड़। अब तो ये पेड़ काटना ही पड़ेगा लगता है। देखिए, पूरी नीचे देखिए इसकी जड़, देखिए पूरी खराब हो गई है। ये देखिए, ये देखिए फूल लगे हैं, पूरी घास जम रखी है। देखिए, पूरी घास ही घास जम रखी है। घास निकालना है वरना पूरे सांप वाँप आ जाएंगे। ये देखिए, ये है गुड़हल का पेड़। फूल बहुत ही प्यारा फूल लगा है। देखिए, ये देखिए, ये है पपीते का पेड़। ये देखिए, पपीता, छोटे छोटे पपीते लगने शुरू हो गए हैं। ये देखिए, ये है सदाबहार का पेड़। ये देखिए, ये भी गुड़हल का पेड़ है एक। देखिए देखिए दोस्तों, हल्दी भी बो रखी है हमने यहाँ पे। ये हल्दी का पेड़ है। ये देखिए, ये भी गुड़हल का पेड़ है। कितना सुंदर फूल लगा है। देखिए, ये देखिए, ये भी गुड़हल का पेड़ है। ये देखिए, पूरे गुड़हल ही गुड़हल है हमारे गार्डन में। ये देखिए, गुड़हल का पेड़। ये देखिए, ये है भिंडी के पेड़। यहाँ भिंडी भी लगा रखी है हमने। ये देखिए, ये है पपीता। ये भी पपीता का पेड़ है। पूरे पपीते ही पपीते लगे हैं हमारे गार्डन में। एक पपीता का ये है। ये देखिए। तो दोस्तों, ये करेले का पेड़ है। देखिए, करेले भी लगे हैं इसमें, छोटे छोटे से करेले लगे हैं। देखिए, और दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, करेले लगे हैं बस, और कुछ भी नहीं लगा है। सब ऐसी बेल हैं, 100 पीस। ये देखिए, ये भी लगे हैं करेले, 2-3 करेले लगे हैं इसमें। ये देखिए, कड़ी पत्ते का पेड़ है ये। ये देखिए, इतना बड़ा पेड़ है कड़ी पत्ते का। तो दोस्तों, ये नींबू का पेड़ है। देखिए, नींबू तो लगे नहीं है, शायद एक ही नींबू लगा है, कहाँ गया। ये देखिए, नींबू भी लगे हैं, बहुत सारे नींबू लगे थे, सब झड़ गए हैं, बस 2-3 ही बचे हैं। ये देखिए, एक ही बचा है शायद। ये देखिए, दिखा देती हूँ आपको, एक ही नींबू का पेड़ बस। कितना सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों, आज हमारे घर में बन रही है आलू की सब्जी। देखिए, आलू उबल चुके हैं, अब बना रही हूँ मैं सब्जी, बने रहिएगा। ये देखिए दोस्तों, मेरी आलू की सूखी सब्जी बन चुकी है। कितनी अच्छी लग रही है, देखिए खाने में उतनी ही स्वादिष्ट होगी। जितनी दिखने में अच्छी लग रही है ना, उतनी स्वादिष्ट होगी। देखिए, वाओ। तो देख सकते हैं आप दोस्तों, थोड़ी सी आलू के गुटके मैंने निकाल दिए हैं, जो सूखी सब्जी खाएंगे और जो रसदार खाएंगे उनके लिए रसदार बन रही है। ये देखिए, बड़ी चटपटी लग रही है।
तो दोस्तों खाना बन चुका है, देखिए चटपटी सब्जी रेडी है। अब हम लोग खाने जा रहे हैं, देखिए ये रसदार सब्जी है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।